वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे टू कलर का बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। इसे बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, ब्लैंकेट, शॉल, स्टॉल भी आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और टू रो की ये डिजाइन है, लेकिन ये हमारा टू कलर का डिजाइन है, तो इसे जो है फोर फोर रो में ये डिजाइन पैटर्न कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने बॉर्डर के लिए टू सिलाइयाँ बना लिए हैं और इसके बाद जो है हम राइट साइड से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है अभी तक मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा और पूरी डिजाइन आपको लास्ट में हम दिखाएंगे। देखिए ये रो वन राइट साइड से यहाँ से हम सेकेंड कलर को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हम सेकेंड कलर को ऐड करेंगे। ये हमारा डिजाइन पैटर्न का फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। ये टू रो की डिजाइन है, लेकिन हम आपको ये जो है डिजाइन पैटर्न एट रो में बताएंगे, क्योंकि तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रो राइट साइड है। यहाँ पर हम सेकेंड कलर लगाने के बाद फर्स्ट रो को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये टू रो की डिजाइन है, लेकिन इसे हम फोर रो इस कलर से बुनेंगे, फोर रो इस कलर से, तो डिजाइन पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बन कर के आता है, इसलिए आपको हम एट रो में डिजाइन पैटर्न बताएंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट रो राइट साइड है, सीधा बुनते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए रॉन्ग साइड से ये डिजाइन पैटर्न बनेगा। तो देखिए हमारा ये टू के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और ऊन के धागे को अपनी ही साइड रखेंगे और टू फंदा हम सीधा बुनेंगे, वन टू। तो देखिए जब हम टू फंदा ये सीधा बुनेंगे ना, तो ये एक हमारा जाली वाला फंदा आएगा। देखिए ये एक एक्स्ट्रा फंदा आएगा और देखिए हम टू फंदा बुनेंगे, तो जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा था उसे इन टू फंदों के ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। ध्यान से देखिए इसी पैटर्न को अगेन रिपीट करेंगे, उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, टू फंदा, वन टू, टू फंदा बुनेंगे। इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा फंदा ये जो बना है जाली वाला ना, इसकी इसको ऊपर से ऐसे हम स्लिप कर देंगे। अगेन देखिए उनके धागे को अपनी साइड करेंगे और टू फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए वन टू, तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा बना है ना, इसके ऊपर से हम ऐसे स्लिप कर दें। अगेन देखिए उनके धागे को अपनी साइड करेंगे और ये टू फंदा बुनेंगे। जब हम अपनी साइड करते हैं तो वन फंदा एक्स्ट्रा अपने आप बन जाता है। देखिए ऐसे इसके बाद हम जब बुन लेंगे तो इसके ऊपर से ये स्लिप कर देंगे। देखिए ये टू टू के मल्टीपल इसी तरह ये पैटर्न बनेगा। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह आप जो है टू टू के मल्टीपल ऐसे बनाते जाइए। इसके ऊपर से देखिए एक्स्ट्रा फंदा स्लिप कर दीजिए, उनके धागे को अपनी साइड कीजिए, टू फंदा या ऐसे देखिए उठ सीधा बुनिए, इसके ऊपर से ये स्लिप कर दीजिए, उनके धागे को अपनी साइड कीजिए, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये सेकेंड रो कम्प्लीट हो गया। अब इसी टू रो का पैटर्न हमें बनाना है। अब देखिए अभी हमने टू रो बनाया है ना, टू रो हम नेक्स्ट बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारा थर्ड रो राइट साइड है डिजाइन पैटर्न का। थर्ड रो राइट साइड। इसके बाद देखिए अब हम जो है यहाँ पर डिजाइन पैटर्न को फोर रो में बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और उनके धागे को अपनी ही साइड रखेंगे। ये रो टू की तरह है, देखिए रॉन्ग साइड है, टू फंदा सीधा बुनेंगे, वन टू, और जो एक्स्ट्रा फंदा ये बना है इसको इसको ऊपर से स्लिप कर देंगे, उनके धागे को अपनी साइड लाएंगे,
टू फंदा हम सीधा बुनेंगे और एक्स्ट्रा फंदा को ऐसे हम स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे और टू फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे, टू फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से हम ये स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे, टू फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे, टू फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। और जो लास्ट का एड स्टिच है ना, इसे उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये देखिए फोर रो हमने बुनाई कर लिया है। अब हम जो है ऊन के धागे कलर जो है चेंज करेंगे। तो हमारा जो बेस कलर है ना, इससे अब हम ये हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए ये हमारा फिफ्थ रो है, इसे हम ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बिगनर अगर हैं तो उनको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर आप बुनने वाले फ्रेंड हैं तो आप लोग तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि ये टू रो की ही डिज़ाइन है, केवल कलर इसमें चेंज करना है। तो देखिए हमारा ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये सिक्स रो है। सिक्स रो में देखिए हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और टू फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे। वन टू, देखिए इससे जो है ये जो हमारा थर्ड फंदा है ना, इस थर्ड फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। अगेन देखिए ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे और टू फंदा हम सीधा बुनेंगे। वन टू, इसके ऊपर से हम ये फंदा स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे, टू फंदा सीधा बुनेंगे। जब अपनी साइड रखते हैं ना तो ये देखिए वन फंदा एक्स्ट्रा बन जाता है, इसे हम इसके ऊपर से स्लिप करेंगे। जब ये ऊन के धागे को अपनी साइड ऐसे लाएंगे और जब हम फ्रेंड से इसे बुनाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर वन एक्स्ट्रा फंदा आ जाता है, तो इसे हम इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे, टू फंदा सीधा, फिर इसके ऊपर से हम इसको स्लिप कर देंगे। ऊन के धागे को अपनी साइड लाएंगे और देखिए टू फंदा सीधा, इसके ऊपर से हम ऐसे स्लिप कर देंगे। और ये साइड का एड स्टिच है, ये रॉन्ग साइड है, इसलिए हम इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये बस टू रो की डिज़ाइन है। आपको जब इस तरह कलर चेंज करते जाएंगे ना, जैसे हमने ये फोर फोर रो को बनाया है, तो आप टू जब फोर रो बुनते हैं तो ये वन लाइनिंग डिजाइन का बनता है। तो आप चाहे वन लाइनिंग के डिजाइन में बनाएं या फोर ऐसे टू लाइनिंग के डिजाइन में, या आप चाहे तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे बनाते हैं ना, जब इसे आप बनाते हैं तो ये डिजाइन पैटर्न देखिए ऐसे बन करके आएगा, जैसा हमने आपको बताया है ना। देखिए ये डिजाइन पैटर्न इसी तरह ये बनता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न बन के आएगा। देखिए हमने टू टू सिलाइयाँ का बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप वन वन ये डिजाइन पैटर्न डाल सकते हैं। हमने टू टू डिजाइन पैटर्न को ऐसे बनाया है। आप चाहें तो वन का कर सकते हैं, फोर का भी कर सकते हैं पैटर्न। आप अपने हिसाब से इस पैटर्न को बनाते जाइए। देखिए डिजाइन पैटर्न काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। इसे लेडीज़ स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, मफलर वगैरह किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, और इसमें ज़्यादा ऊन ऊन नहीं लगता है फ्रेंड्स, और काफ़ी इजीली बन करके ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमने ये 10 नंबर के सिलाई से और 3 प्लाई के ऊन से हमने ये बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे आप बनाइए। आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।